ट्विटर चैनल फिनोइस पे पीएफसी को लेकर अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक आप देख सकते हो 169 रुपीस के आसपास पहुंच गए। और यहां पे अगर देखेंगे दोस्तों पीएफसी के स्टॉक में अभी भी लगता है यहां से एक तेजी बना सकता है। इस वीडियो में हम लोग पीएफसी को लेकर डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर वो हम लोग यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएफसी में जो एक दिन के अंदर स्टॉक में 2.90% का जो यहाँ पे रिटर्न, माफ कीजिए 2.9% का जो यहाँ पे एक रिटर्न देखने को मिला है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 वीक के अंदर 6% का इसने रिटर्न दिया है और 1 मंथ के अंदर जो 13.9% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। तो पीएफसी के शेयर जबरदस्त तेजी दिखाया है कुछ दिनों के अंदर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फिलहाल अभी पीएफसी को कहा जा रहा है, पीएफसी के शेयर को कहा जा रहा है। ड्यूरेबिलिटी 70 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 71 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम जो 72.1 है आउट ऑफ 10 है आउट ऑफ 100। तो बहुत जबरदस्त यहां पे रिटर्न देखने को मिला है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन बात करते हैं, टेक्निकली जो है पीएफसी के शेयर में तो पीएफसी को जो अभी यहाँ पे मतलब देख सकते हैं एक बुलिश लेवल पे जो है फिलहाल अभी पीएफसी का शेयर चल रहा है। आरएसआई इंडिकेटर कह रहा है कि भाई जो शेयर है पीएफसी का ना कि ओवरबोर्ड जोन में ना कि ओवरसोल्ड जोन में। मैकडी इंडिकेटर कह रहा है कि पीएफसी का जो स्टॉक है 2 पॉइंट मतलब यहाँ पे जो माफ कीजिए 2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैकडी का इंडिकेटर जो कह रहा है कि पीएफसी का जो शेयर है एक बुलिश लेवल बना रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पीएफसी के शेयर को लेकर जो इसका एक हफ्ते के अंदर आप देख सकते हैं एक लो प्राइस बनाया है वो है 155.80 पैसे का और जो इसने एक हाई प्राइस दिया 170.30 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 155 से ये शेयर जो है 170 के ऊपर एक हफ्ते के अंदर पहुंच गया है। तो बहुत जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला है कुछ ही महीने के अंदर। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 मंथ के अंदर जो यहाँ पे एक लो प्राइस बनाया था 145.40 पैसे का, जो हाई प्राइस बनता हुआ दिखा है वो है 170.30 पैसे का, वही उसका हाई प्राइस है। एंड 3 मंथ्स के अंदर स्टॉक में लो प्राइस बनता हुआ दिखा है 134.10 पैसे का एंड जो उसने हाई प्राइस बनाया 170.60 पैसे का। दोस्तों आप देखिए 3 महीने के अंदर स्टॉक में एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है। अभी बात करते हैं यहाँ पे बीएससी एनएससी मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है एक दिन का वो 9.2 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज 66.2% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 6.1 मिलियन का है। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 8 मिलियन का जो है बीएससी एनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है एंड डिलीवरी परसेंटेज जो है 45.2% का है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है 3.6 मिलियन का है। 1 मंथ के अंदर बात करते हैं दोस्तों 8.1 मिलियन का जो है बीएससी एनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है एंड 41% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है एंड जो इसका डिलीवरी वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं 3.3 मिलियन का फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टॉक में जो है खरीदारी वगैरह हुआ है और तेजी भी देखने बनता हुआ देखने को मिला है। अभी यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों तो प्रोमोटर जो है उनके पास 55.99% का स्टेक है। एक चीज़ आप देख सकते हैं जो FIS है, FIS के पास 16.85% का स्टेक था तो FIS ने जो ये स्टेक कम कर दिया 16.49% का कर दिया है। एंड म्यूचुअल फंड के पास 11.62% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ा दिया है 12.23% का स्टेक कर दिया है। वही बात करते हैं दोस्तों जो पब्लिक है, पब्लिक के पास 9.22% का स्टेक था और पब्लिक ने भी स्टेक यहाँ पे घटा दिया है 8.85% कर दिया है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.29% का स्टेक था और अदर इंस्टीट्यूशन जो स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है 6.44% कर दिया है। तो दोस्तों अब इससे प्रोमोटर्स के पास उतना स्टेक है, FIS ने जो यहाँ पे स्टेक जो FIS है बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेक है वो घटा दिया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों पब्लिक ने स्टेक यहाँ पे घटा दिया है एंड वही बात करते हैं जो अदर इंस्टीट्यूशन ने जो यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया है। अभी यहाँ पे जो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है पीएफसी के शेयर में वो है दोस्तों 191 रुपीज़ का, 191 रुपीज़ का एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि तुरंत जो आपको 191 के टारगेट प्राइस के लिए खरीदारी करना चाहिए। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि मतलब इसका अगर देखेंगे जो एक अपडेट फिर माफ कीजिए जो इसका डिविडेंड को लेकर बात करते हैं, जैसे कुछ दिन पहले भी एक डिविडेंड को लेकर अपडेट आया था उसको फिलहाल जो है उन लोगों ने बताया कि बाद में देगा करके। तो अभी आप देखने को मिल रहा है कि अभी तक अगर देखते हैं तो डिविडेंड जो है पीएफसी में 33 डिविडेंड देखने को मिला है एंड पास्ट 12 मंथ्स के अंदर बात करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं 10 रुपये का मतलब 10 रुपये का जो है यहाँ पे इसने डिविडेंड दिया है। तो अच्छा खासा यहाँ पे एक डिविडेंड देखने को मिल जाता है पीएफसी के स्टॉक में अगर आप होल्ड करते हैं तो। तो चलिए इसको लेकर और डिटेल में हम लोग समझते हैं पीएफसी के शेयर को लेकर। पीएफसी तो पीएफसी में आप देख सकते हैं दोस्तों जो इसका स्टॉक का प्राइस है अभी 0 पॉइंट मतलब इसका जो बुक वैल्यू है पीएफसी का जो बुक वैल्यू है उसका अगर देखते हैं तो 0.58 टाइम्स में ये ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी बात है शेयर के लिए एंड वही बात करते हैं जो स्टॉक है आप देख सकते हैं मतलब इसका जो डिविडेंड है
7.02 डिविडेंड इसका यील्ड है, 7.02% इसका डिविडेंड यील्ड है, तो अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल जाता है। कंपनी इज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि 26.8% के आसपास है। अभी बात करते हैं दोस्तों कंपनी का, मतलब पीएफसी का, आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कम है। एंड अगर बात करते हैं इसका जो मतलब बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कंपनी जो है आईटी जो ये पीएफसी है उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कैपिटलाइज कर रहा है, तो कैपिटलाइजिंग माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि हो सकता है। तो अभी यहाँ पे अगर देखते हो तो पीएफसी के मतलब इसमें अगर आप देखते हो तो ऐसे बहुत सारे आपको शेयर्स मिल जाएंगे पीएफसी के लाइन में, मतलब अगर पीएफसी के लाइन में मतलब सेक्टर्स में आप शेयर्स देखते हैं तो यहाँ पे पीएफसी है, आईआरएफसी है, आरएसी लिमिटेड है, बहुत सारे ऐसे शेयर्स है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है पीएफसी का, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों आईआरएफसी अगर देखते हैं तो आईआरएफसी भी एक बहुत ही बढ़िया शेयर लगता है हमें। तो पीएफसी अगर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे थोड़ा ज़्यादा प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पी रेशियो 3.13 का है। एंड वही बात करते हैं इसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, तो फंडामेंटली एक अच्छा शेयर है पीएफसी। अगर यहाँ पे देखते हैं तो फंडामेंटली एक अच्छा कंपनी है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं जो इसका मतलब पीएफसी का अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट वगैरह देखते हैं दोस्तों क्वार्टरली, तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका मतलब रिजल्ट हुआ आया था दिसंबर 2022 Q3 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रेवेन्यू पोस्ट किया था पीएफसी ने जो कि बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद बात करते इंटरेस्ट जो हुआ था, इंटरेस्ट जो उसका हुआ था उसमें अगर देखते तो उसमें भी एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है इंटरेस्ट इसने पोस्ट किया था। एक्सपेंसेस घटा गया था, घटा दिया गया था, मतलब कम हुआ था। एंड यहाँ पे अगर बात करते दोस्तों अदर इनकम की, तो अदर इनकम में भी देख सकते बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे अदर इनकम में भी इसने रिपोर्ट पोस्ट किया। तो एक तरह से देखेंगे तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है उसमें भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में उसने अच्छा जो है यहाँ पे पोस्ट किया था जो कि 6,619 करोड़ का था। एंड नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों तो नेट प्रॉफिट जो कि 5,229 करोड़ का था और वो जो यहाँ पे तो आप देख सकते 5,241 करोड़ का हो चुका था। तो एक बहुत बड़ा सा इसने एक रिजल्ट पोस्ट किया था Q3 में। और हमें लगता है कि दोस्तों ये जो शेयर है अगर देखते हैं पीएफसी का अभी 179 के आसपास चल रहा है, अगर हम लोग ये शेयर अभी देखते हैं तो वो माफ कीजिए 170 के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी एक तेज़ी बने। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए अगर यहाँ पे कोई होल्ड नहीं करना चाहते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आपको जो है पीएफसी का शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।